और चले आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश से उफान पर नदी नाले आ चुके हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसी को देखते हुए प्रदेश के कई बड़े डैम के गेट खोल दिए गए। आज भी 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो नदी नाले उफान पर है, भारी बारिश का दौर भी जारी है। आपको बता दें कई डैम ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनके गेट भी खोल दिए गए हैं, क्योंकि लगातार देखिए चाहे नदियों की बात करें, तालाबों की बात करें या फिर डैम की बात करें, लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते बारिश को देखते हुए कई बड़े डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। बिल्कुल, बारिश से उफान पर नदी नाले, और ऐसे में तो आज 13 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, और साथ ही साथ बारिश का दौर लगातार इस समय जारी है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश इस समय हो रही है, लेकिन जलभराव की स्थिति भी इलाकों में हमें देखने को मिल रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जबलपुर से अमित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्वालियर से विनोद जुड़ चुके हैं, और गौरव हमारे साथ लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद, आप जानकारी दीजिएगा, ग्वालियर चंबल की अगर बात करें तो कितनी बारिश यहां पर हो चुकी है, और अभी फिलहाल किस तरह का मौसम यहां पर देखा जा रहा है, आने वाले दिनों में क्या संभावना है, कितनी बारिश अभी और हो सकती है? अंचल में बारिश हुई है वो लगभग 50 इंच से ऊपर निकल चुकी है, लेकिन औसतन बारिश अभी तक इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरे मॉनसून का इंतजार करना चाहिए। अभी सावन के साथ बादों का पूरा महीना बारिश का होता है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने तक बारिश का कोटा पूरा हो सकता है, लेकिन अभी तक जितनी बारिश हुई है उसमें नदी नाले सभी तो उफान पर नहीं आए हैं, लेकिन लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि खेतों में खेत भर गए, किसानों की फसलों की अच्छी उम्मीद की जा रही है। हाँ, दो दिन से लगातार जो बारिश हुई है उससे शिवपुरी के आसपास के इलाके में कुछ नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है। ग्वालियर का तेघरा डैम भी इसी तरह बारिश होती रही तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में वो भी भर जाएगा, यानी उसका कोटा भी पूरा हो सकता है, क्योंकि अब तेघरा महज 6 इंच या 7 इंच ही खाली रह गया है, बाकी पूरा भर चुका है। जिस तरह से तिघरा खाली था उससे कहीं ना कहीं लोगों को आशंका थी कि बारिश कम हुई तो लोगों के लिए पानी का संकट खड़ा हो जाएगा, तो वो उम्मीद अब लगभग पूरी हो चुकी है। हालांकि आज भी मौसम विभाग ने कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन उतनी बारिश की उम्मीद नहीं है जितनी दो दिन पहले थी। जो मौसम विभाग जानकारी मैं देख रहा हूं उसमें ये बताया गया है कि कहीं 24% तो कहीं 30% बारिश होने की ग्वालियर चंबल अंचल में संभावना है, तो ये एक तेज बारिश नहीं कही जा सकती। तेज बारिश तब होती है जब 80-90% बारिश होने की उम्मीद कही जाए। फिलहाल तो आज धूप है, कहीं 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 छांव है, और बारिश भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, और ऐसे में हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई गली मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर इस समय जलभराव की स्थिति बनी हुई है। गौरव, आप जरा तस्वीरें दिखाइएगा, मैं देख रही हूं कि आप एक जगह पर मौजूद हैं जहां पर जलभराव की थोड़ी स्थिति देखने को मिल रही है। कौन सी जगह पर इस समय मौजूद हैं और क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि आज भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हल्की बारिश की चेतावनी दी हुई है, और इस वक्त हम खड़े हुए हैं राजधानी भोपाल के भदभदा डैम पर, क्योंकि जब लगातार भोपाल में पानी गिर रहा था तो यहां पर लगातार जो है गेट खोले गए हैं 3 दिन तक। पहले 2 गेट खोले गए, फिर 4 गेट, और फिर दोबारा से परसों के दिन 2 गेट यहाँ पे खोले गए थे। ये भदभदा डैम यहाँ के लिए कहा जाता है कि जब भी बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ता है तो उसके बाद इस डैम के गेट खोले जाते हैं, और अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो डैम है पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, और अगर लगातार यहाँ पे पानी गिरता है तो यहाँ के गेट दोबारा खोले जा सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो भोपाल में औसत वर्षा की अगर बात करें तो औसत वर्षा के आसपास पानी भोपाल में गिर चुका है, और पिछले बार के मुकाबले इस साल काफी अच्छी बारिश भोपाल में दर्ज की गई है, और इस बार कहा जा रहा है कि जो औसत है वो करीब 106% के आसपास भोपाल में पानी गिर सकता है। अभी तक कितना पानी गिरा है ये कोटे के बराबर पहुंच चुका है, अब अगर इसके बाद अतिरिक्त पानी गिरता है भोपाल में तो वो एक तरीके से बोनस ही समझा जाएगा। बताना चाहूंगा कि अब भोपाल और भोपाल के आसपास के जो जिले हैं यहाँ पे जिस रफ्तार से अभी तक पानी गिर रहा था उस रफ्तार में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी।
क्योंकि मौसम विभाग ने भी जो चेतावनी जारी की है उसमें 13 जिलों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये जो हिस्सा है ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी व पूर्वी हिस्सा है। खासकर अगर हम बालाघाट की बात करें, सिवनी की बात करें, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूप, यहां पे आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस पूरे क्षेत्र के 13 जिले हैं जहां आज भारी बारिश होगी। लेकिन अगर हम भोपाल और भोपाल समेत आसपास के जो इलाके हैं यहां की बात करें तो यहां के 15 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी अभी तक जो भारी बारिश भोपाल और भोपाल के आसपास के जिलों में देखने को मिल रही थी उसकी रफ्तार में थोड़ी सी कमी आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद बिल्कुल यानी कि अभी उतनी बारिश नहीं होगी आने वाले दिनों में। चलिए अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप भी तस्वीरें दिखा दीजिए और बताइए किस तरह का हालचाल देखने को मिल रहा है, मौसम का मिजाज क्या है, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर है। बिल्कुल, और अमित ये भी बताइएगा अभी तक जबलपुर में कितने इंच तक बारिश दर्ज हुई है और आने वाले समय में मौसम विभाग की ओर से क्या अनुमान जताया गया है, अच्छी बारिश होगी या फिर थोड़ा बारिश का दौर कम होगा। देखिए जबलपुर में जो है अभी तक 34 इंच के आसपास बारिश हो चुकी है और जो लगभग आधी बारिश मानी जाती है और अभी जो मौसम विभाग अनुमान जता रहा है कि पिछले दो दिनों से बारिश रुक कर हो रही है और कल से तो धूप निकली हुई है लेकिन अभी दो दिन जो है काफी राहत मिलने वाली है लोगों को। दो दिन बाद फिर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है और औसतन बारिश जो है जबलपुर में 59% करीब होती है लेकिन अभी जो बारिश का आंकड़ा मौसम विभाग बता रहा है वो आधी बारिश जबलपुर में दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल, आगे क्या अनुमान जताया गया है, क्या बारिश अच्छी खासी होगी और कौन कौन से जबलपुर में वो इलाके हैं जहां पर जलभराव की इस समय स्थिति है, लोगों के सामने आने जाने का या फिर ट्रेवल करने का संकट खड़ा हो गया है। देखिए जबलपुर के आसपास सिहोरा जैसे है, सिहोरा की हिरण नदी में जो बाढ़ आई उसके कारण आने जाने वाले गांव से उनका संपर्क टूट गया है और जबलपुर में काफी जलभराव देखने भी मिल रहा है। आपको बता दें जबलपुर के बरगी बांध को 5 बार खोला गया है अभी तक, उन्हें 5 बार खोला गया, रविवार को तो उसे 2 बार खोला गया। नर्मदा जो है अपने तट से लगभग 40 फीट ऊपर पे बह रही है तो आसपास के एरियों को काफी अलर्ट भी किया गया है, उससे दूर रहने की समझाइश भी प्रशासन द्वारा दी जा रही है और नर्मदा नदी इस बार फिर समय अपने रौद्र रूप पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और नर्मदा नदी समेत कई ऐसी नदियां हैं जो इस समय अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अमित, आपका शुक्रिया। विनोद आप जुड़े, आपका शुक्रिया, और गौरव आपने भी विस्तार से जानकारी दी, आपका शुक्रिया। और